हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का विद्यास्थली कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमने आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एक ही पार्ट के वीडियो में पढ़ा दिए। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लो या आप यूट्यूब में टाइप करें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय विकास सर VSCC अवश्य लिखें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। चलिए चालू करते हैं बच्चों जल्दी से। तो देखिए बच्चों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपके पेपर में आ सकता है कि प्लांट में कितने सिस्टम बने हैं चीजों को कंट्रोल करने के लिए। तो आप जान लीजिए प्लांट में सिर्फ और सिर्फ हार्मोनल सिस्टम ही होता है। एनिमल में दो सिस्टम होते हैं, हार्मोनल सिस्टम भी काम करता है और नर्वस सिस्टम भी काम करता है, दोनों मिलकर काम करते हैं। यहां पर सिर्फ एक ही सिस्टम काम करता है, दैट इज हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो हार्मोनल सिस्टम मतलब हार्मोन्स। तो प्लांट्स में बच्चों चार ही हार्मोन्स होते हैं, आपको नाम याद करने होंगे। पहला हार्मोन है ऑक्सिन, दूसरा हार्मोन है जिबरेलिन्स या गिबरलिन्स भी पढ़ते हैं, तीसरा है साइटोकाइनिन और चौथा है एब्सेसिक एसिड। नाम याद हो गया होगा। चलिए इनके फंक्शन देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पहला जो तीन हार्मोन का हमने नाम लिखा है उसके काम बच्चों कॉमन है, कुछ कॉमन है। देखिए इन तीनों के काम कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? दो फंक्शन कॉमन है, आप ध्यान से सुने और नोट करें। पहला काम है ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये तीनों हार्मोन का काम है प्लांट का ग्रोथ कराना। एंड अदर काम है ग्रोथ ऑफ फ्रूट, यानी आप इसमें भी लिख सकते हो ग्रोथ ऑफ प्लांट, ग्रोथ ऑफ फ्रूट, इसमें भी और इसमें भी। तो एक आसानी से हमने आपको ट्रिक बता दिया याद करने के लिए। और एक एक यूनिक काम भी याद रखें। ऑक्सिन का काम होता है बच्चों ट्रॉपिक मूवमेंट कराना। ट्रॉपिक मूवमेंट हम लोग आगे अभी पढ़ने वाले हैं, यहां लिखा हुआ है ट्रॉपिक मूवमेंट कराने को कंट्रोल करता है ऑक्सिन। याद रखेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट लाइक फोटोट्रॉपिज्म जियोट्रॉपिज्म आर कंट्रोल्ड बाय ऑक्सिन हार्मोन। ये एक यूनिक काम हुआ। गिबरलिन्स बच्चों जी से गिबरलिन्स होता है और जी से याद रखें जर्मिनेशन। जर्मिनेशन जानते हैं ना, बीज ऐसा अंकुर होता है, तो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स कराने के लिए गिबरलिन्स हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट बच्चों साइटोकाइनिन का काम है ओपनिंग ऑफ एस्टोमेटा, एस्टोमेटा को ओपन करना। एंड डिले इन फॉलिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों को गिरने में डिले करता है, मतलब रोक के रखता है, मत गिरो, लेट गिरना। अब ये तीनों का उल्टा काम ये करता है, ये इन तीनों का दुश्मन है, आप समझ जाइए एब्सेसिक एसिड। याद रखिए आपको पूछा जा सकता है कौन सा हार्मोन प्लांट का ग्रोथ इनहिबिटरी है। ग्रोथ इनहिबिटरी का मतलब होता है ग्रोथ को रोकने वाला, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन। ये ग्रोथ रोकता है, इन तीनों ग्रोथ कराते तो ये रोक देता है, ये फ्रूट को ग्रोथ कराते हैं, फ्रूट के ग्रोथ को भी अपोज करता है। एंड देखिए सबके काम का उल्टा कर लेते हैं। इसने क्या कराया था? जर्मिनेशन ऑफ सीड। ये क्या करता है? डिले इन जर्मिनेशन ऑफ सीड, जर्मिनेशन ऑफ सीड में लेट करता है, देरी करता है। और साइटोकाइनिन का क्या काम था? ओपनिंग ऑफ एस्टोमेटा, उसका उल्टा ये क्या करेगा? क्लोजिंग ऑफ एस्टोमेटा। ये डिले इन फॉलिंग ऑफ लीव्स, तो ये इमीडिएट फॉलिंग ऑफ लीफ में मदद करता है। तो ये हो गया प्लांट हार्मोन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक आपको प्लांट में पढ़ना है प्लांट मूवमेंट्स। तो अगला टॉपिक है बच्चों प्लांट मूवमेंट। सबसे पहली बात कि पेड़ एक जगह से उठ के पूरा दूसरे जगह नहीं जाता है, यानी आप इसको लिख सकते हो प्लांट डू नॉट शो लोकोमोशन। पूरा का पूरा बॉडी को चलने को बोलते हैं लोकोमोशन, बट प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं वो तो चलते हैं, उनके डालियां लीव्स ब्रांचेज ये तो चलते हैं, मूवमेंट होता है, आपने देखा है। छुई मुई को आपने देखा, सेंसिटिव प्लांट, टच मी नॉट, छूते हैं पत्तियां सिकुड़ जाती है, मूवमेंट हुआ ना। पूरा का पूरा पेड़ नहीं चला बट लीव्स तो मूवमेंट हुआ, तो इसी मूवमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं मूवमेंट प्लांट में आखिर होता क्यों है। तो आप समझेंगे बच्चों ये प्लांट का कोई एक पार्ट है, अगर प्लांट के दोनों साइड में इक्वल ग्रोथ होगा तो ये सीधे बढ़ेगा, लेकिन बच्चों अगर इसको मुड़ना है तो क्या होना पड़ेगा, एक पार्ट को थोड़ा बढ़ना पड़ेगा और दूसरे पार्ट को ज्यादा, यानी बेंडिंग के लिए मूवमेंट के लिए जरूरी है अनइक्वल ग्रोथ ऑफ टू साइड्स ऑफ प्लांट। याद रखें प्लांट के जो दो साइड होते हैं वो एक साइड कम ग्रोथ होगा और दूसरा साइड वाला ज्यादा ग्रोथ होगा, तो बेंडिंग होगा, इधर इधर मुड़ना है, तो आप सोच लीजिए। तो मूवमेंट के लिए आप क्या जरूरी है? अनइक्वल ग्रोथ, और वो कौन कराता है? ऑक्सिन। तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट बच्चों दो टाइप के होते हैं, प्लांट में दो टाइप के मूवमेंट्स देखे जाते हैं। पहला होता है ट्रॉपिक मूवमेंट एंड अनदर इज नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट को शॉर्ट में ट्रॉपिज्म बोलते हैं और नास्टिक मूवमेंट को शॉर्ट में नास्टीज बोलते हैं। देखिए ट्रॉपिक मूवमेंट एक डायरेक्शनल मूवमेंट है। व्हाट इज मीन बाय डायरेक्शनल मूवमेंट? डायरेक्शनल मूवमेंट उन मूवमेंट्स को बोलते हैं जिसमें स्टिमुली के डायरेक्शन को देख करके
मतलब लाइट ग्रेविटी केमिकल को देख करके आप पेड़ के मूवमेंट के डायरेक्शन को डिसाइड कर सकते हो। लाइक अगर धूप इधर से आ रही है तो पेड़ इधर ही मुड़ता है, तो आप देखो कि सनलाइट के डायरेक्शन को हम देख करके पेड़ के मूवमेंट का, ट्री के मूवमेंट के डायरेक्शन को डिसाइड कर पाते हैं। इसी टाइप के मूवमेंट्स को हम डायरेक्शनल मूवमेंट बोलते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट एक डायरेक्शनल मूवमेंट है, जबकि नास्टिक मूवमेंट बच्चों नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। इसमें आप जो स्टिमुली के डायरेक्शन को देख करके रेस्पॉन्स के डायरेक्शन का पता नहीं लगा सकते। जैसे आप टच मी नॉट को छूते हो, उसके पत्तियां हमेशा ऐसे सिकुड़ेंगी, आप इधर से छू लो, इधर से छू लो, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं से भी, यानी आपके जो स्टिमुली है उसके डायरेक्शन को देख करके आप रेस्पॉन्स के डायरेक्शन का अनुमान नहीं लगा सकते, इसीलिए हम उसको नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट बोलते हैं बच्चों। तो ट्रॉपिक मूवमेंट बच्चों 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप्स के, और वो डिपेंड करता है स्टिमुली कौन सा मिल रहा है। स्टिमुली क्या होता है, एनवायरमेंट में जो परिवर्तन होती है जिसके खिलाफ प्लांट रिस्पॉन्स करता है, दैट इज स्टिमुली। स्टिमुली मतलब द एनवायरमेंटल चेंजेस जिसके लिए प्लांट रिस्पॉन्स कर रहा हो। जैसे आवाज, आप यहाँ कोई गाना बजाओ तो प्लांट तो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, तो वो प्लांट का स्टिमुली नहीं है। प्लांट में 5 प्रकार के स्टिमुली होते हैं जिनके लिए वो रिस्पॉन्स करता है, मूवमेंट दिखाता है। तो पहला लाइट स्टिमुली के लिए जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म, एंड ग्रेविटी स्टिमुली के लिए जो मूवमेंट होता है उसको जियोट्रॉपिज्म। इनका डेफिनेशन अगर पेपर में आ जाए बहुत आसान है। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ट्रॉपिक मूवमेंट, डिफाइन करिए, तो हम लोग इस वर्ड का इस्तेमाल जरूर करेंगे। द डायरेक्शनल मूवमेंट इन द पार्ट्स ऑफ प्लांट ड्यू टू द एनवायरमेंटल रिस्पॉन्स या अकॉर्डिंग टू द स्टिमुली, याद हो गया होगा। अगर फोटोट्रॉपिज्म की बात करेंगे, द मूवमेंट इन द पार्ट्स ऑफ प्लांट the directional movement in the parts of plant in the response to the light, and similarly इसका क्या बोलेंगे geotropism का, the directional movement in the parts of plant in response to the gravity। आप समझ गए होंगे, सबका definition एक जैसा ही बोलना है, बस एक एक words change कर लेने हैं। तो इन सब में examples तो नहीं आता बच्चों, दो में example आपके पास जरूर पूछा जाता है। phototropism तो आप समझ गए होंगे, plant का जो shoot होता है वो light के तरफ bend होता है, then it is called positive phototropism, और root opposite में bend होता है तो उसको बोलते हैं negative phototropism। geotropism gravity, पेड़ का जो root होता है वो gravity के अंदर जाता है, पृथ्वी की तरफ जा रहा, then root of the plant shows positive geotropism and the shoot of the plant shows negative geotropism। What is chemotropism? The movement in the parts of, the directional movement in the parts of plant in the direction of, in the response to the chemical, right? एक word change करेंगे। इसका example है बच्चों pollen tube। Reproduction chapter में पढ़ाया जाता है कि जब pollen grain plant female part stigma पे land करती है तो उसमें से chemical release होता है और उसी chemical के direction में tube का formation होता है। That is called formation of pollen tube is the example of chemotropism। ये पूछा जा सकता है, केमोट्रोपिज्म के एग्जांपल बताइए, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, या हम लिख दिया आप याद कर जाना। हाइड्रोट्रोपिज्म समझ गया होगा, द डायरेक्शनल मूवमेंट इन द पार्ट्स ऑफ प्लांट इन द रिस्पांस टू द वाटर, और इसमें एग्जांपल वही है कि पेड़ का जो जड़ होता है, रूट होता है, वो पानी की तरफ जाता है, दैट इज वो शो करता है पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, एंड द शूट ऑफ द प्लांट गोज अवे फ्रॉम द वाटर, दैट इज निगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। नेक्स्ट इज थिग्मो, बच्चों थिग्मो मतलब टच, देखिए टी से थिग्मो, टी से टच, आप याद कर जाइए। थिग्मोट्रॉपिज्म का आप डेफिनेशन लिखिए, द डायरेक्शनल मूवमेंट इन द पार्ट्स ऑफ प्लांट इन द रिस्पॉन्स टू द टच। इसका एग्जांपल है बच्चों टेंड्रिल्स, नाम याद करें, टेंड्रिल्स क्या होता है, तो आपने बेला का पेड़ देखा होगा, करेला, कद्दू, लौकी, लौकी कद्दू, इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा ऐसे बेला ऐसे धागे जैसा निकलता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो इसका डेफिनेशन होता है द क्लाइंबिंग पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड टेंड्रिल, द क्लाइंबिंग पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड टेंड्रिल। तो क्लाइंबिंग पार्ट को टेंड्रिल बोलते हैं। टेंड्रिल क्या करता है, तो प्लांट को ऊपर क्लाइंब करने में मदद करता है, और उन प्लांट्स जिसमें टेंड्रिल्स ग्रो होते हैं उसको क्लाइंबर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स, ठीक है। तो टेंड्रिल्स क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा टेंड्रिल ऐसा रहता है, यहां पर कोई बल्ली या बांस या कोई सॉलिड सपोर्ट हो तो ये टेंड्रिल क्या करता है, उसको होल्ड करके उसके चारों तरफ सर्कल फॉर्मेशन कर लेता है, आपने देखा होगा। तो ये कैसे करता है इसको हम लोग समझेंगे, पेपर में आता है हाउ टेंड्रिल ग्रोस या हाउ टेंड्रिल शोस थिग्मोट्रॉपिज्म, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है, तो आप बताएंगे टेंड्रिल इज सेंसिटिव टू द टच, टेंड्रिल टच के लिए सेंसिटिव होता है। व्हेन इट टचेस एनी सॉलिड सपोर्ट देन द पार्ट ऑफ टेंड्रिल which is in contact with the support, देखिए जो पार्ट यहां पर बल्ली होगा, जो पार्ट इसके सपोर्ट के कॉन्टैक्ट में होता है वो ग्रो स्लोअर करता है और अदर पार्ट फास्ट ग्रो करेगा, तो मुड़ जाएगा, बेंडिंग के लिए जरूरी अनइक्वल ग्रोथ, और मुड़ते मुड़ते सर्कल फॉर्म कर लेता है और इस तरह से वो प्लांट को क्लाइंब करने में मदद करता है, क्लियर हो गया होगा।
अब आते हैं बच्चों नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट का क्या डायरेक्शन डेफिनेशन है, एक वर्ड चेंज करो जादू हो जाएगा। यहां पर लिखा था डायरेक्शनल मूवमेंट, बस इसको जगह पर आप कर लो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। तो क्या डेफिनेशन होगा, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट इन द पार्ट्स ऑफ प्लांट अगेंस्ट एक्सटर्नल स्टिमुली। सेम है, बस एक वर्ड चेंज हो गया, इसको नास्टिक मूवमेंट। नास्टी मूवमेंट बच्चों नॉन डायरेक्शनल होता है। नास्टी मूवमेंट के दो ही टाइप होते हैं, एक होता है थिग्मोनास्टी और फोटोनास्टी। देखो ये दोनों यहां पे भी है और यहां पे भी है। तो आप इसके डेफिनेशन बोलते वक्त जरूर नॉन डायरेक्शनल वर्ड लगाना भूलना नहीं, तो मार्क नहीं मिलेगा। तो थिग्मोनास्टी क्या होगा, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट इन द पार्ट्स ऑफ प्लांट इन द रिस्पॉन्स टू द टच। इसका एग्जांपल है छुई मुई, टच मी नॉट, एनसीईआरटी में उसको सेंसिटिव प्लांट बोलते हैं। टच मी नॉट बच्चों कैसा होता है, उसमें मूवमेंट, ये भी सवाल आ सकता है। तो देखिए टच मी नॉट जो प्लांट होता है उसके लीफ के बेस में एक पैड लाइक स्वेलिंग पार्ट होता है, याद रखेंगे आप, पैड लाइक स्वेलिंग पार्ट। टच मी नॉट के बेस में एक पैड लाइक स्वेलिंग पार्ट होता है। आप जैसे ही इसको टच करते हैं तो टच करने के बाद क्या होता है, वो पार्ट जो होता है वाटर लॉस कर देता है। मूवमेंट कंट्रोल बाय वाटर, याद रखेंगे प्लांट में हर मूवमेंट पानी कंट्रोल करता है। तो यहां पर भी जैसे ही आप इसको टच करते हैं तो ये पैड लाइक स्वेलिंग सब्सटेंस वाटर लॉस करता है, उसका नाम पुलविन होता है। और वो लॉस करके क्या होता है, ये जो लीफ खड़ा है हार्ड है, वो हार्डनेस लॉस कर देगा, फर्मनेस अपना लॉस कर देता है और ये लीफ फॉल हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद स्लोली फिर से वापस पानी लीव उस सेल में से भर जाता है डिफ्यूजन से, और 15 से 20 मिनट में वापस खड़ा हो जाता है। तो आपको समझ गया होगा कैसे मूवमेंट होता है, इन दोनों पे क्वेश्चन आ सकता है, टेंड्रिल कैसे ग्रो करता है और सेंसिटिव प्लांट कैसे मूवमेंट करता है और कौन कंट्रोल करता है। इसमें वाटर कंट्रोल करता है और इसमें ये कैसे ग्रो होता है, अनइक्वल, जो टच करेगा वो कम ग्रो करेगा, जो नहीं टच करेगा वो पार्ट ज्यादा ग्रो करेगा, तो सर्कल फॉर्म कर लेता है। फोटोनास्टी बच्चों, फोटोनास्टी भी आप समझ गए होंगे, क्या बोलोगे, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट इन द पार्ट्स ऑफ प्लांट अगेंस्ट लाइट इज कॉल्ड फोटोनास्टी। फोटोनास्टी का एग्जांपल है मून फ्लावर। मून फ्लावर क्या होता है, जैसे डिम लाइट होगा तो फ्लावर के पेटल्स खुल जाते हैं और ब्राइट लाइट में बंद हो जाते हैं। तो इस मूवमेंट में एक बात और समझेंगे, जितने भी ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं दे ऑल आर कॉल्ड ग्रोथ मूवमेंट। आप डिफरेंस जरूर लिखना, इनको ग्रोथ मूवमेंट बोलते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर ग्रोथ मूवमेंट, बिकॉज इस मूवमेंट को दिखाने के लिए प्लांट के अपने पार्ट्स को ग्रो करना पड़ता है। और नास्टी मूवमेंट मे और मे नॉट ग्रोथ मूवमेंट, क्यों बच्चों, क्योंकि थिग्मोनास्टी में ग्रोथ नहीं होता है बट फोटोनास्टी में ग्रोथ होता है। फ्लावर्स के पेटल्स को खुलने के लिए और बंद होने के लिए अनइक्वल ग्रोथ दिखाने पड़ते हैं। जैसे अगर फ्लावर का पेटल्स खुलना है तो बाहर वाला पार्ट ज्यादा ग्रो करेगा और अंदर वाला कम ग्रो करेगा, तभी वो खुलेगा। फिर बंद होना है तो बाहर वाला पार्ट ज्यादा ग्रो कर जाएगा और अंदर वाला कम ग्रो करेगा। क्लियर हो गया, तो इससे क्या होगा, मूवमेंट होगा, सॉरी मूवमेंट बोल रहे हैं, ग्रोथ होगा। तो फोटोनास्टी में ग्रोथ होता है, थिग्मोनास्टी में ग्रोथ नहीं होता है। तो आप इसमें लिख सकते हो नास्टी मूवमेंट मे और मे नॉट ग्रोथ मूवमेंट, बट ट्रॉपिक मूवमेंट इज ऑलवेज ग्रोथ मूवमेंट। तो इस तरह से बच्चों प्लांट में इतना ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपको पढ़ाया जाता है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को करते हैं खत्म। गुड लक बच्चों।